चलिए आज हम लोग जानेंगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो देखिए हमारा यहाँ पे पहला क्वेश्चन है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड क्या है। तो याद रखिए इसी को शॉर्ट नेम में हम लोग एमएस वर्ड भी बोलते हैं। तो यहाँ पे हमें पूछा जा रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड क्या है। तो ये आपका है वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड क्या कहलाता है, वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम है। दो नंबर क्वेश्चन हमारा कर रहा है एमएस वर्ड की विशेषताएं क्या है। तो एमएस वर्ड की विशेषताएं में आप तो पहला ऑप्शन आपको मिल रहा है स्पेलिंग चेकिंग। तो आपको पता ही होगा कि एमएस वर्ड में जब आप काम करेंगे टाइप करेंगे तो आपको आपका स्पेलिंग ऑटोमेटिकली वहां पे चेक होता है। अगर आपका कभी चेक नहीं होता हो तो कीबोर्ड से आप F7 प्रेस करके ऑटोमेटिक चेक को ऑन कर सकते हैं और आप वहां पे डिक्शनरी भी आपको मिलेगा, वहां पे ऐड भी कर सकते हैं आप डिक्शनरी में अपने वर्ड को। तो यहाँ पे हमारा पहला ऑप्शन स्पेलिंग चेक तो हो ही रहा। ग्राफिक्स के साथ भी आप काम कर सकते हैं, बोथ ए बी कर रहे दोनों से ही है या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बोथ कि दोनों, आपका आंसर ये जो है सही है। तीन नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है एम एस वर्ड को रन कमांड के द्वारा खोलने के लिए क्या टाइप करते हैं। तो यहाँ पे एम एस वर्ड को खोलने के लिए आपको पता होगा कि एम एस वर्ड को खोलने के लिए हम रन में लिखेंगे विन वर्ड। तो एम एस वर्ड का खोलने का शॉर्टकट तरीका एप्लीकेशन से क्या है, तो रन पे जाइए और विन वर्ड टाइप कीजिए तो आपका एम एस वर्ड ओपन हो जाएगा। चार नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि एम एस वर्ड में सबसे नीचे जो स्क्रीन प्रदर्शित होती है उसे कहा जाता है। तो एम एस वर्ड में सबसे नीचे, तो आप देखिए नीचे का आपको यह लाइन दिख रहा है, ये वाला जो हमारा कर्सर जहाँ पे वहां देखिए आप, इस लाइन को कहा जाता है स्टेटस बार। क्या कहते हैं इसको, स्टेटस। क्यों, तो देखिए आपको स्टेटस बताता है कि आपका टोटल पेज कितना है, वर्ड कितना है, ये आपको सारा स्टेटस बताते रहेगा। तो इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, स्टेटस बार। पांच नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है एम एस वर्ड में बनाई गई फाइल को किस नाम से जाना जाता है। तो याद रखिए कि एमएस वर्ड में आप जिस भी फाइल को बनाएंगे उसको हम लोग डॉक्यूमेंट के नाम से जानते हैं। तो ये एक्सटेंशन फाइल होता है। यहाँ पे मेन चीज ये जानिए आप कि यहाँ पे एक्सटेंशन फाइल पूछा जा रहा है कि एमएस वर्ड का एक्सटेंशन फाइल जो है वो .doc शॉर्ट में होता है, पूरा नाम उसको डॉक्यूमेंट हम बोलते हैं। छह नंबर हमारा क्वेश्चन कर रहा है पेज सेटअप की सहायता से किनको बदला जा सकता है। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन से मार्जिन पेपर साइज बदल सकते हैं, तो बी कह रहा है पेपर स्रोत या लेआउट को बदल सकते हैं, सी है ए और बी दोनों, या डी फाइल के नाम। तो इसका आंसर होगा ए और बी दोनों, क्योंकि आप देखिए पेज सेटअप पे जाएंगे मार्जिन तो सेट कर ही सकते हैं, पेपर साइज आप चूज करते हैं कि हमको किस पेज में प्रिंट करना है, पेपर स्रोत कि आपका पेपर कहाँ से प्रिंट करेगा वो है, लेआउट में आपको ओरिएंटेशन और पोर्ट्रेट मिलता है वहां पर वो चूज कर लेते हैं हम लोग। तो इसका आंसर ए और बी दोनों है। सात नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है कार्य क्षेत्र को मापने के लिए किस बार का उपयोग किया जाता है। कार्य क्षेत्र मतलब कि हम कितने इलाके में कितना एरिया में हम काम कर रहे हैं उसको मापने के लिए किसका उपयोग किया जाएगा। तो याद रखिए इसके लिए है रूलर। तो ऊपर में आप देखते होंगे और इसमें आपको रूलर नहीं है, रुकिए हम आपको रूलर ला के दिखा देते हैं। तो ये देखिए अभी हम आपका रूलर आ गया। तो कार्य क्षेत्र को मापने के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करेंगे, तो ये आपका रूलर कहलाता है, तो रूलर बार का इस्तेमाल कर लेंगे हम लोग यहाँ पे। अगला क्वेश्चन हमारा है एट नंबर। तो एट नंबर कह रहा है कि एमएस वर्ड में फाइल को खोलने सेव करने एवं बंद करने की संबंधित कमांड डैश में होती है। तो एमएस वर्ड के फाइल को खोलने सेव करने और बंद करने की कमांड आपको कहाँ मिलेगी, तो ऑफिस बटन में, कहाँ मिलेगा आपको ये, ऑफिस बटन में, ठीक है। चलिए तो अब हमारा नाइन नंबर क्वेश्चन कह रहा है किस कमांड द्वारा डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने से पूर्व देख सकते हैं, कि डॉक्यूमेंट को प्रिंटिंग से पहले ही आप क्या कर सकते हैं, तो देख सकते हैं। तो देखिए तो उसका आंसर है आपका ये प्रिंट प्रीव्यू, कि प्रिंट प्रीव्यू का हम लोग इस्तेमाल कहाँ करेंगे, जब आपको अपने डॉक्यूमेंट को प्रिंटिंग से पहले देखना हो तब हम इसका इस्तेमाल करेंगे। दस नंबर क्वेश्चन कर रहा है सिलेक्टेड लाइन को बोल्ड करने की शॉर्टकट कुंजी है। तो इसका है Ctrl+B। अगर किसी लाइन को आपको बोल्ड करना हो तो जैसे एग्जांपल हम देखिए कीबोर्ड से दबा रहे शॉर्टकट की, तो आपका क्या होगा कि ये बोल्ड हो जाएगा, और बोल्ड अगर नहीं है तो फिर चलिए आपको कीबोर्ड तो दिखेगा नहीं, तो चलिए कीबोर्ड नहीं दिख रहा तो हम आपको डायरेक्ट यहां से करके दिखाते हैं। देखिए ये
देखिए बी से ये कंट्रोल, बी से बोल्ड होता है, अगर वहां से नहीं तो आप यहां से भी कर सकते हैं, शॉर्टकट की है इसका कंट्रोल के साथ, बी प्रेस करेंगे तो बोल्ड। देखिए अभी नॉर्मल हो गया, बी प्रेस किए तो ये बोल्ड हो जा रहा है, ठीक है। तो कंट्रोल के साथ बी से आपका टेक्स्ट क्या हो जाता है, आपका बोल्ड हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है 11th नंबर। तो 11th नंबर क्वेश्चन आपको कह रहा है सिलेक्टेड लाइन को अंडरलाइन करने की शॉर्टकट कुंजी है। अंडरलाइन सिलेक्टेड लाइन को अंडरलाइन करने के लिए तो इसका आंसर है कंट्रोल प्लस यू। आप किसी लाइन को सिलेक्ट करके करेंगे तो हम कंट्रोल के साथ अगर यू दबाते हैं तो आपको जो लाइन है वो क्या हो जाएगा, अंडरलाइन हो जाएगा उसमें आपका, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 12 नंबर। तो कह रहा है सिलेक्टेड लाइन को डबल अंडरलाइन करने की शॉर्टकट कुंजी है, मतलब किसी लाइन को आप चाहते हैं कि उसमें डबल अंडरलाइन चले मेरा, ठीक है। तो डबल लाइन करने के लिए आपका क्वेश्चन 12 नंबर में देखिए, इसका आंसर होगा कंट्रोल शिफ्ट और डी। अगर इसको प्रेस करेंगे आप तो आपका लाइन जो है वो डबल अंडरलाइन आ जाएगा इसमें आपका। आप इसको सिलेक्ट कर लीजिए, कंट्रोल के साथ डी प्रेस करेंगे तो देखिए जैसे हम अभी एक साथ कर रहे हैं तो आपके देखिए डबल अंडरलाइन आता है। कंट्रोल यू अगर प्रेस करेंगे तो सिंगल आएगा, और अगर डबल करना हो आपको एक साथ कंट्रोल के साथ, कंट्रोल शिफ्ट के साथ आप डी प्रेस कीजिए। 13 नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है हम ये 13 नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है देखिए ऊपर नीचे जा रहा पेज, तो 13 इसका भी ये भी कलर हो गया हमारा आंसर। 13 नंबर क्वेश्चन है एक रिफरेंस है जो डॉक्यूमेंट के एक भाग की सूचना को दूसरे भाग में दिखाता है, तो इसको हम लोग कहते हैं क्रॉस रिफरेंस। ये क्या करता है कि किसी दूसरे पेज में अगर आपका कोई डॉक्यूमेंट का रिलेटेड अगर कोई सूचना वूचना अगर आपने दिया है अलग से तो क्रॉस रिफरेंस का इस्तेमाल करेंगे उसको जानने के लिए। अब 14 नंबर क्वेश्चन हमारा कर रहा है सिलेक्टेड लाइन को लेफ्ट अलाइनमेंट करने की शॉर्टकट की कुंजी है, तो शॉर्टकट की उसका है कंट्रोल प्लस एल। किसी टेक्स्ट को सिलेक्ट करके अगर आप कंट्रोल के साथ एल प्रेस करेंगे तो आपका वो जो टेक्स्ट है वो लेफ्ट अलाइनमेंट मतलब आपका लेफ्ट साइड चला जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा 15 है पैराग्राफ या लाइन को सेंटर अलाइनमेंट करने के लिए किस कुंजी का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे हमारा कह रहा है सेंटर लाइन, तो सेंटर लाइन के लिए कंट्रोल प्लस ई, अगर आप इसको प्रेस करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा ये कि आपका जो पैराग्राफ है वो चला जाएगा सेंटर में, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा है 16, एमएस वर्ड में सबसे ऊपर दिखाई देने वाली बार को क्या कहा जाता है। तो सबसे ऊपर में आपको ये दिखता है तो इसको हम लोग कहते हैं यहाँ पे टूल, यहाँ पे नहीं टाइटल बार, तो ये आपका क्या कहलाता है, फर्स्ट लाइन जो दिखेगा हम उसको क्या कहेंगे, टाइटल बार। जहाँ पे आपको दिखेगा कि हमारा डॉक्यूमेंट किस नाम से सेव है या अभी सेव है या नहीं तो वो आपको टाइटल बार पे दिखाई देगा। अगला क्वेश्चन है हमारा 17 नंबर, करा फुट नोट और एंड नोट का उपयोग डैश के लिए किया जाता है, तो इसका आंसर है रिफरेंस। कि अभी हम आपको ऊपर में क्वेश्चन बताए थे कि एक पेज के दूसरे पेज अगर एक पेज में कुछ लिखा हुआ है आपके ऊपर और उसका सूचना अगर हम किसी और पेज में दिए क्रॉस रिफरेंस तो आप यहीं से करते हैं हम लोग, इसका रिफरेंस इन नोट और फुट नोट के अंदर ही आता है ये रिफरेंस आपका। अगला क्वेश्चन है हमारा 18 नंबर, सिलेक्टेड लाइन का राइट अलाइनमेंट करने की शॉर्टकट कुंजी है, तो राइट अलाइनमेंट के लिए कंट्रोल के साथ आर दाबेंगे तो आपका टेक्स्ट राइट राइट साइड में चला जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है सिलेक्टेड लाइन को जस्टिफाई लाइन करने की शॉर्टकट की क्या है, तो कंट्रोल प्लस जे से आपका जस्टिफाइड हो जाएगा। और 20 नंबर क्वेश्चन हमारा है गो टू कमांड की सहायता से डॉक्यूमेंट में डैश को दिए गए स्थान पर भेजा जा सकता है, तो ये महाशय हमारा आंसर है कर्सर। कि आप कर्सर को मान लीजिए आपका 50 पेज है, एक साथ आपको 48 नंबर पेज पर जाना है तो आप क्या करेंगे, तो कंट्रोल के साथ जी दाबेंगे तो गो टू ऑप्शन आपका डायरेक्ट भी ओपन हो जाएगा। शॉर्टकट की है ये कि कंट्रोल के साथ जी दाबिए, पेज नंबर उसमें डायल करेंगे, जैसे हम चलिए देखिए कंट्रोल के साथ जी प्रेस किए तो देखिए आ गया। अब पेज नंबर जितने पेज नंबर पे जाना है हमको, मान ले 2 नंबर पेज पे जाना है, मेरा अभी 3 पेज है यहाँ तो हमको 2 नंबर पे जाना है, गो टू करेंगे, देखिए हमारा जो कर्सर है ये देखिए आप जो ब्लिंक कर रहा है ये हमारा कितने नंबर पेज पे आ गया, 2 नंबर पे। तो गो टू का इस्तेमाल हम लोग किसके लिए करते हैं, तो कर्सर को अपने मन पसंद जगह जहाँ आप चाहें वहाँ जल्दी से ले जा सकते हैं, किसके मदद से, गो टू के कमांड से। तो ये 20 क्वेश्चन आपको
जरूर याद रखना चाहिए ताकि आपको एमएस वर्ड में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। ये एमएस वर्ड का सेट नंबर वन है, हम आपको इसका कम से कम 10 सेट आपको देंगे एमएस वर्ड का। तो बने रहिए चैनल पे।